हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माय ड्रीम कॉलेज। आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्लेसमेंट के मामले में किसी भी आईआईटी या एनआईटी से कम नहीं है। जहां सीएससी एंड आईटी ब्रांच की अगर बात करें तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 18 से 20 लाख पर एनम यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सीएससी एंड आईटी के अलावा जो अदर ब्रांचेज हैं उनमें भी आपको 7 से 8 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ देखने को मिलता है। जेईई एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिछले साल 2021 में यहाँ टोटल 93,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 65,000 स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में एपियर हुए थे। वहीं अगर 2020 में बात करें तो टोटल 1.27 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट्स जो है यहाँ एग्जाम में एपियर हुए थे। अब अगर टोटल सीट्स की बात करें तो 34,125 सीट्स यहाँ टोटल अवेलेबल हैं, जिनमें से अराउंड 1,400 यानी कि 1,400 सीटें जो हैं बीटेक के लिए यहाँ अवेलेबल हैं। अब अगर एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है परमानेंटली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो उनको 90% सीट्स का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। वहीं दूसरे स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल के अलावा अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ 10% सीट्स अवेलेबल होती हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बात करें तो टोटल 86 सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं, जिनमें से 78 सीट्स यहाँ आपको वेस्ट बंगाल से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आपको देखने को मिल जाती है। वहीं जो वेस्ट बंगाल के अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ 7 से 8 सीटें ही अवेलेबल होती हैं। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए काफी ये एग्जाम जो है टफ पड़ जाता है। नहीं, अगर एग्जाम की टफनेस के बारे में बात करें तो जो आपका एग्जाम होता है वो जेई मेन के कंपेयर में थोड़ा सा आसान होता है। वहीं अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो जो आपका जेई मेन का सिलेबस होता है सेम सिलेबस आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अब अगर एडमिशन के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल का एक स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है जो कि WBJEE के नाम से होता है, उसके थ्रू आपका यहाँ एडमिशन होता है और जेई मेन के थ्रू आपका यहाँ एडमिशन नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ हॉस्टल के इश्यूज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो यहाँ हॉस्टल्स में रूम है उनकी अवेलेबिलिटी जो है काफी कम है, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा लो होती है या जिनका जो होम टाउन होता है या घर होता है वो कैंपस से डिस्टेंस पे होता है उन्हीं को हॉस्टल अलॉट होता है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पीजी ले सकते हैं, पीजी काफी आसानी से आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब अगर जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में बात करें तो इसको हम JU कोलकाता के नाम से भी जानते हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि 1955 में एस्टेब्लिश हुआ, तो काफी पुराना कॉलेज है आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर लोकेशन की बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल, और कैंपस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा कैंपस एरिया जो है वो थोड़ा सा कम है, जो कि 58 एकड़, ये आपका जाधवपुर में मेन कैंपस है, और 26 एकड़ का आपको साल्ट लेक में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और सील्डा रेलवे स्टेशन जो है आपका 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और हावड़ा जंक्शन जो है आपका ये 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर रैंकिंग के बारे में बात करें तो इसकी रैंकिंग जो है आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर NIRF इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर बात करें तो 17 रैंक थी पिछले साल 2021 में। वहीं अगर 2020 में बात करें तो इसकी जो NIRF रैंक थी 17 थी, जो कि सेम थी। अब अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो 51 लाख पर एनम का देखने को मिला है। वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तो 19.2 लाख पर एनम का गया था, जो कि काफी औसम है। अब अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 51 लाख पर एनम, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 32 लाख पर एनम, आईटी ब्रांच में अगर देखें तो 51 लाख पर एनम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बात करें तो 32 लाख पर एनम, मैकेनिकल में 15 लाख पर एनम, और अगर पावर इंजीनियरिंग बात करें तो 32 लाख पर एनम। अब अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 19.2 लाख पर एनम का देखने को मिला है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो 11.44 लाख पर एनम, आईटी ब्रांच में 18.57 लाख पर एनम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 12.3 लाख पर एनम, मैकेनिकल में 6.78 लाख पर एनम, पावर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 7.4 लाख पर एनम। अब अगर एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको WBJEE का एग्जाम आपको देना पड़ता है, और WBJEE के थ्रू ही आपके यहाँ काउंसलिंग हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा JEE मेन का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आपका एडमिशन यहाँ नहीं होता है। अब अगर सीट्स के बारे में बात करें तो 90% सीट्स जो है यहाँ रिजर्व होती है, किसके लिए, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के बाहर बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के अलावा जो अदर स्टेट्स होते हैं उनके लिए 15% सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो काफी आपको एग्जाम ही टफ पड़ जाता है।
वहीं अगर WBJEE की एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 500 रुपए आपकी जनरल के लिए और 400 रुपए आपकी SC ST OBC A OBC B के लिए अवेलेबल होती है। OBC A OBC B का मतलब है आपके जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, यानी CL और NCL। अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो दिसंबर जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और जो एग्जाम है आपका वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है। वहीं अगर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो मेनली आपके जो एग्जाम के सेंटर्स होते हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ सेंटर्स आपको असम हो गया, त्रिपुरा, अगरतला और सिलचर में भी देखने को मिल जाते हैं। और जो एग्जाम का रिजल्ट होता है वो आपका 2 to 3 weeks आफ्टर एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो WBJEE को चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो फीस है वो 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए दे करके आप अपना रिजल्ट जो है उसके लिए आप दोबारा चेक करवा सकते हैं। वहीं अगर पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ 2 पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा पेपर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, जो कि दोनों पेपर आपके 2 to 2 hour के होते हैं। अब अगर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ टोटल 116 यानी 116 सीट्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में 86 सीट्स हैं। अगर इसके अलावा अगर मैकेनिकल में देखें तो 145 सीट्स हैं, तो इनको आप आराम से देख सकते हैं। अब अगर फीस के बारे में बात करें तो फीस यार यहाँ काफी कम आपको देखने को मिल जाती है। अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज में बात करें IT ब्रांच को के अलावा तो यहाँ आपको अराउंड 5,710 रुपए 2 साल के लिए फीस है, यानी कि 11,000 रुपए आपको यहाँ 4 सालों की फीस पड़ती है, जो कि किसी भी आप IIT NIT से अगर कंपेयर करेंगे जहाँ पर आपको 2 से 2.5 lakh रुपए आपको पर साल देना पड़ जाता है, यहाँ 4 सालों में आपको टोटल 11,000 में आपका काम हो जा रहा है। वहीं अगर IT ब्रांच में बात करें तो फीस थोड़ा सा काफी ज्यादा है, जो कि 30,860 रुपए है। उसका रीजन भी यही है कि अभी IT ब्रांच नई आई है और इसको कुछ फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी नहीं मिल पा रही, जो कि आगे उम्मीद करते हैं कि इसकी भी जो फीस है वो काफी कम हो जाएगी। अब अगर हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो जो मेस का चार्ज है वो काफी कम है, जो कि 3,000 के अराउंड है। वहीं अगर हॉस्टल सीट रेंट के बारे में बात करें तो 180 रुपीज और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है 120 रुपीज, तो हॉस्टल की फीस यहाँ काफी कम है। अब अगर रूल फॉर चेंज ब्रांच के बारे में बात करें तो अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर स्विच करना चाहते हैं तो अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में लेट अस एज्यूम कीजिए कि 5 सीट्स अवेलेबल है और 10 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में स्विच करना चाह रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट ईयर में जो ओवरऑल CGPA होंगे, तो परफॉर्मेंस के बेस में 5 स्टूडेंट्स आपके फिल्टर किए जाएंगे और उनको वो ब्रांच अपनी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा फीस वेयर्स के बारे में बात करें, यानी कुछ स्कॉलरशिप होती है जो कि अगर जिनकी फैमिली इनकम अगर 2.5 लाख से कम है उनको देखने को मिल जाती है। अब अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो यहाँ टोटल 2 क्रिकेट ग्राउंड्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से 1 जो है मेन कैंपस और 1 फार्ड लेक कैंपस में देखने को मिल जाता है, और जो 2 फुटबॉल ग्राउंड्स है वो भी आपको 1 मेन कैंपस और 1 फार्ड लेक कैंपस में देखने को मिलता है। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. इसके अलावा 2 बास्केटबॉल ग्राउंड आपको देखने को मिलते हैं, 4 वॉलीबॉल कोर्ट्स, 1 बैडमिंटन कोर्ट, 1 टेनिस कोर्ट, 2 कबड्डी कोर्ट्स, 1 खो खो और 1 चेस रूम आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो यहाँ टोटल 13 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से 9 बॉयज हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल है, और जिनमें से जो मेन कैंपस है मेन कैंपस में 3 से 4 रूम्स का जो है शेयर्ड रूम्स आपको देखने को मिलते हैं, वहीं फॉल्ट लेक में आपको सिंगल रूम देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें तो 24/7 ये अपना ओपन रहता है और आप कभी भी आ जा सकते हैं यहाँ। इसके अलावा आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अगर क्लीननेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नॉर्मल आपको देखने को मिलता है, उतना अच्छा आपको हॉस्टल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको PG की जो फैसिलिटी है वो भी आपको हॉस्टल के बाहर देखने को मिल जाती है, आप अगर चाहते हैं तो PG भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा 8 कैंटीन यहाँ देखने को मिल जाती है और जो हॉस्टल्स का फूड है वो एकदम ओके ओके है। अब अगर
कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। इसमें अगर बात करें तो मेनली ये 3 राउंड होते हैं, जिनमें से जो पहला राउंड है उसकी जो क्लोजिंग रैंक है ये मेंशन मैंने किया हुआ है, और जो तीसरा राउंड है उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बात करें तो जो पहला राउंड था उसमें 57 रैंक तक यहाँ क्लोज हो गया था, और जो तीसरा राउंड था वहाँ उसमें आपको 61 तक आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिल गई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें पावर इंजीनियरिंग की तो 1126 तक आपको यहाँ पहले राउंड में कट ऑफ देखने को मिली थी, और जो तीसरा राउंड था उसमें 1327 तक आप यहाँ एडमिशन ले सकते थे। अब अगर ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो पहला राउंड होता है उसकी क्लोजिंग रैंक मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, और ये तीसरे राउंड की क्लोजिंग रैंक है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में काफी टफ पड़ जाता है अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले राउंड में यहाँ 6 रैंक जो है ये क्लोजिंग रैंक थी, और थर्ड राउंड में ये 7th रैंक जो है ये आपकी क्लोजिंग रैंक है। वही अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बात करें तो पहले राउंड में 473 क्लोजिंग रैंक थी, और अगर तीसरे राउंड में बात करें तो थोड़ा फ्लैक्चुएट होकर के 585 तक आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता था। तो जो रिमेनिंग ब्रांच वाले हैं वो अपना वीडियो पॉज करके आराम से कट ऑफ जो है उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर ओबीसी सीएल वालों की बात करें, क्रीमी लेयर की बात करें, तो अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो जो पहला राउंड है वो उसमें आपको 185 तक आपकी यहाँ क्लोजिंग रैंक जाती है, और तीसरे राउंड में भी आपकी 185 ही थी पिछले साल 2021 में। वहीं अगर प्रोडक्शन में बात करें तो पहले राउंड में 1965 और तीसरे राउंड में भी सेम आपको 1965 तक आपको आपको देखने को मिली है। वहीं अगर मैकेनिकल में बात करें तो पहले राउंड में 1124 और तीसरे राउंड में 1213 तक आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर ओबीसी एनसीएल में बात करें तो आप ये कट ऑफ को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करें तो फर्स्ट राउंड में 734 तक, और अगर तीसरे राउंड में बात करें तो 805 तक। वहीं अगर आईटी ब्रांच में बात करें तो पहले राउंड में 1207 तक, और तीसरे राउंड में 2030 यानी कि 2030 तक आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले राउंड में एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 515 और थर्ड राउंड में 542 तक यहाँ कट ऑफ जाती है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो पहले राउंड में 1392 और तीसरे राउंड में 1405 तक यहाँ कट ऑफ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कट ऑफ, जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बात करें तो पहले राउंड में 806 और तीसरे राउंड में काफी ज्यादा कट ऑफ जो है फ्लैक्चुएट हुई है, यानी कि 3751 तक आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता था। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसके अलावा कोई पॉइंट्स जो मिस हो गए हैं अगर आपको लगता है कि वो ऐड होने चाहिए इस वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।